भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व कोडरमा लोकसभा के प्रभारी विकास प्रीतम ने कहा कि गांडेय उपचुनाव के मूल में परिवारवाद है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जब पता लगा कि सत्या उनके परिवार से बाहर जा रही है, तब झटपटाहट हुई और एक डील के तहत गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलाया गया। उक्त बातें विकास प्रीतम ने एनडीए के प्रधान चुनाव कार्यालय गिरिडीह में प्रेस वार्ता में कही। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, गिरिडीह लोकसभा प्रभारी प्रकाश सेठ, मुकेश जालान, संजीव कुमार आदि थे। विकास प्रीतम ने कहा कि हेमंत सोरेन को पिता से विरासत मिली है, अब कल्पना सोरेन को गांडेय से विधायक फिर सीएम बनाने का प्रयास है, पर गांडेय की जनता सब समझ चुकी है। गांडेय उपचुनाव में भाजपा जीत दर्ज करेगी और उसके बाद राज्य सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस उपचुनाव में भाजपा और आरजू एक साथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, झामुमो, राजद, ये सभी पार्टियां परिवारवाद व भ्रष्टाचार का हिस्सा है। कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में विरासत टैक्स लगाने की बात कही है, मतलब आम आदमी अपने बेटों को भी संपत्ति नहीं दे सकता, इस पर टैक्स लगेगा। कोडरमा लॉस से अन्नपूर्णा की सीट को सेफ बताया। जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने पीएम मोदी के 10 साल के कार्यालय की उपलब्धि बताई। कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से 370 की समाप्ति, सीएए समेत राष्ट्रीय हित में मतदान करने के कई मुद्दे हैं, जिससे इस बार फिर केंद्र में मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, प्रकाश सेठ, मुकेश जालान, संजीव गुड्डू आदि मौजूद रहे। शाहिद गफ्फार, ग्रीडियस, झारखंड से रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने मुख्य मुद्दा ये रखा था कि गांडे का उपचुनाव होने वाला है और गांडे उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है और उनका प्रत्याशी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी है। उन पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी को लेकर के गांडे उपचुनाव कराना और गांडे उपचुनाव में उनको विधायक से मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करना और एक आदिवासी बने बनाए मुख्यमंत्री को अपनी जगह से हटाने का प्रयास करना, इस विषय पर बात रखना चाहते थे। दूसरा, हमारा अन्नपूर्णा जी का नामांकन का 2 तारीख का डेट तय हो चुका है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी आने वाले हैं। वो एक भव्य शो होगा और हम उसमें एक बहुत बड़ी जीत की के लिए अपना एक लक्ष्य तय करेंगे। और